तो फ्रेंड्स कैसे आप लोग, फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है पॉलिंग। फ्रेंड्स मैं चैनल पे इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर के बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर की वर्किंग और इसकी वायरिंग, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर का वायरिंग कैसे करते हैं और इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में समझेंगे। फ्रेंड्स तो फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर के बारे में आप लोग या तो लोग जानते होंगे, इसमें मेनली तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है थ्रू बीम, जिसमें एक रिसीवर और एक इमीटर होता है। एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्टिव। डिफ्यूज रिफ्लेक्टिव फ्रेंड्स क्या होता है कि एक ही सेंसर होता है जिसमें रिसीवर और इमीटर दोनों होता है और उसी से सब सारा काम हो जाता है हमारा। तीसरा होता है रेट्रो रिफ्लेक्टिव, इसमें क्या होता है कि एक रिसीवर और इमीटर एक सेंसर में होता है और एक अलग से हम रिफ्लेक्टर लगाते हैं जहां से हमारा लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है। तो थ्रू बीम में क्या होता है कि इमीटर से लाइट निकलता है और रिसीवर में रिसीव होता है। और हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्टिव में क्या होता है कि हमारे सेंसर से लाइट निकलता है और जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है उससे टकरा के फिर वापस हमारे सेंसर को मिलता है। फ्रेंड्स तो इस तरीके से तीनों वर्क करते हैं। तो इसकी वायरिंग और इसका कहाँ एप्लीकेशन में किस तरह से यूज करेंगे इस सारा कुछ समझने वाले फ्रेंड। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देख पा रहे हैं ये थ्रू बीम सेंसर है और ये हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्टिव। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्टिव और थ्रू बीम सेंसर और रेट्रो रिफ्लेक्टिव तीनों का वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है फ्रेंड्स वो सेम ही होता है। अभी हमारे पास रेट्रो रिफ्लेक्टिव नहीं है, मैं तीनों के बारे में आज आपको क्लियरली बता दूंगा कि कैसे वर्क करता है तीनों। सबसे पहले थ्रू बीम सेंसर के बारे में समझते हैं। थ्रू बीम सेंसर में क्या होता है, एक हमारा ये होता है रिसीवर फ्रेंड्स, जिसमें चार वायर होंगे, और ये होता है इमीटर, इमीटर में बस दो वायर होता है। तो फ्रेंड्स मुझे फोटो सेंसर वर्क कैसे करता है फ्रेंड्स कि हमारा इमीटर एक लाइट रे निकलता है इससे और वो यहाँ पे रिसीव होती है। जब तक लाइट रिसीव होते रहेगा तब तक ऑन रहता है और जैसे ही सेंसर के बीच में कुछ आ जाएगा तो हमारा ऑफ हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये हमारे 24 वोल्ट पे चलता है। और डिफ्यूज रिफ्लेक्टिव में क्या होता है फ्रेंड्स, डिफ्यूज रिफ्लेक्टिव सेंसर फोटो सेल है, इसमें बस एक ही सेंसर होता है, मतलब इमीटर और रिसीवर दोनों इसी के अंदर होता है फ्रेंड्स। से इसमें भी सेम एक लाइट की रे निकलती है और वो लाइट की रे जो है वो सामने किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो उधर से रिफ्लेक्ट होकर वो लाइट इसमें आ जाता है तो ऑन हो जाएगा। अगर बीच में कुछ नहीं रहेगा तो ये ऑफ कंडीशन में रहता है। और रेट्रो रिफ्लेक्टिव में क्या होता है फ्रेंड्स, वो रिसीवर इमीटर उसी सेंसर के अंदर होता है, वो सेम डिफ्यूज रिफ्लेक्टिव की तरह, लेकिन उसमें क्या होता है कि एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ रहता है और यहाँ से लाइट निकल के उस रिफ्लेक्टर पर जाता है और इस रिफ्लेक्टर से टकरा के वापस आके फिर से इसी में अंदर जाता है। तो जब तक रिसीव हमारा लाइट जो है रिसीव होते रहेगा तब तक ये ऑन रहेगा और जैसे इसके बीच में कुछ ऑब्जेक्ट आ जाएगा और लाइट मिलना बंद हो जाएगा तो ये ऑफ हो जाएगा। तो तीनों का वर्किंग प्रिंसिपल ये है फ्रेंड। तो ये जो तीनों सेंसर जो अभी मैं दिखा रहा हूँ फोटो सेल, ये हमारे ओमरॉन के हैं। ओमरॉन का मॉडल नंबर बताता हूँ और मॉडल नंबर नाम जो है उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि इसमें रिसीवर कौन सा है, इमीटर कौन सा है, और उसमें और भी बहुत सारे डिटेल्स देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फोटो जो हमारा थ्रू बीम सेंसर होता है, थ्रू बीम सेंसर का फायदा ये है कि इसकी वर्किंग रेंज जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो 20 मीटर की रेंज तक भी ये वर्क करेगा फ्रेंड्स। तो ये डिफ्यूज रिफ्लेक्टिव जो होता है ये मैक्सिमम 1 से 2 मीटर तक वर्क करता है फ्रेंड्स। रेट्रो रिफ्लेक्टिव का 2-3 मीटर तक का रेंज रहता है फ्रेंड्स। अब वायरिंग समझते हैं थ्रू बीम का। तो थ्रू बीम में जैसे बताया मैं फ्रेंड्स आपको, ये रिसीवर है और ये इमीटर रहता है। इमीटर में देखिए ब्राउन और ब्लू कलर का वायर है, इसमें हमें 24 वोल्ट दे देना है। तो यहाँ पे 24 वोल्ट देना है, यहाँ पे 0 वोल्ट देना है, डीसी वोल्ट 24 और 0 वोल्ट देना है इसमें। ये है फ्रेंड्स हमारा रिसीवर। इसमें फ्रेंड्स जैसे ये ब्राउन कलर का वायर है, इसमें पॉजिटिव देना है, ब्लू कलर पे निगेटिव देना है, तो पावर इधर से मिल जाएगा और ब्लैक से आउटपुट निकलेगा फ्रेंड्स। और ये जो है फ्रेंड्स हमारा, इस फोटो सेल जो होते हैं उसमें 2 मोड होता है, डार्क ऑन मोड और लाइट ऑन मोड। तो ये मोड्स कौन सा यूज़ करना है वो इस वायर पे डिपेंड करेगा, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसमें फ्रेंड्स 2 टाइप के होते हैं, NPN और PNP। तो NPN और PNP दोनों का अलग अलग फंक्शन है फ्रेंड्स। NPN मतलब होता है फ्रेंड्स कि हमारा जो आउटपुट निकलेगा इसमें वो निगेटिव निकलेगा, मतलब 0 वोल्ट आउटपुट निकलेगा। और PNP जो फोटो सेल या सेंसर होता है उसमें आउटपुट हमेशा पॉजिटिव निकलता है। तो उसी हिसाब से हमने इस सेंसर को यूज़ करते हैं, PLC या जो भी इंस्ट्रूमेंट के साथ यूज कर, रिले के साथ यूज करना। जैसे ये हमारा जो सेंसर है ये NPN है फ्रेंड्स। तो NPN मतलब ये हमारा इधर से निगेटिव वोल्ट निकलेगा तो हमें जो PLC यूज करना पड़ेगा उधर हमें कॉमन में पॉजिटिव देना पड़ेगा, और इधर से निगेटिव निकलेगा तो हम इनपुट में 0 वोल्ट दे सकते हैं। तो कॉमन में पॉजिटिव यूज कर रहे हैं तो हमारा सोर्सिंग PLC हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हमारा अगर सिंकिंग
ये NPN मतलब सिंकिंग है, तो इसको सोर्सिंग प्लेन से साथ यूज करेंगे। अब इसमें बता देता हूँ फ्रेंड्स कि आपको सिंपली बता दिया कि ये तीनों वायर का क्या काम है, ये चौथा वायर बता। तो फ्रेंड्स चौथा वायर लाइट ऑन मोड और डार्क ऑन मोड को सिलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसका वायरिंग मैं लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले समझते हैं कि थ्रू बीम सेंसर में लाइट ऑन मोड और डार्क ऑन मोड क्या होता है। तो फ्रेंड्स लाइट ऑन मोड क्या होता है कि दोनों सेंसर के बीच में, रिसीवर और इमीटर के बीच में, जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो वो ऑन कंडीशन में रहता है। जैसे कोई उसके बीच में सब ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो ऑफ हो जाता है फ्रेंड्स, ऑन हो जाता है। और डार्क ऑन मोड में क्या होता है फ्रेंड, जब तक दोनों सेंसर के बीच में कुछ भी नहीं रहेगा तो ऑफ रहेगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट आएगा उसके बीच में तो ऑन हो जाएगा, मतलब NC हो जाएगा। तो ये होता है फ्रेंड्स हमारा थ्रू बीम सेंसर का लाइट मोड और डार्क ऑन मोड। इसका वायरिंग क्या होता है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स लाइट ऑन मोड के लिए इस पिंक वायर को अगर कहीं कनेक्ट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, या तो इसको ब्राउन वायर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं 24 वोल्ट के साथ। अगर डार्क ऑन मोड में यूज करने के लिए फ्रेंड्स इस पिंक वायर को ब्लू वायर के साथ कनेक्ट करते हैं, मतलब 0 वोल्ट देना है इसके साथ। तो आगे प्रैक्टिकल दिखाता हूं आपको। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा रेंज को सिलेक्ट करने के लिए यहां पे देखिए एक मीटर हमारा पोर्ट दिया हुआ है, इस पोर्ट को घुमा के हम अपने रेंज को सेट कर सकते हैं, ज़्यादा और कम, बढ़ाना घटाना है तो वहाँ से सेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इसमें आप देखिए नाम के हिसाब से जैसे E3FA TN12D और यहाँ पे TN12L लिखा हुआ है, और इस पे लिखा है फ्रेंड्स E3FA DN12। तो इस सब का मतलब समझा देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ देखिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, ये हमारा TN12D है। तो T मतलब हुआ फ्रेंड्स थ्रू बीम, N मतलब NPN टाइप, और 1 ये 1 का मतलब हुआ फ्रेंड्स कि प्री वायर्ड केबल, और M12 कनेक्टर। तो 1 मतलब होता है कि प्री वायर्ड केबल, मतलब इसमें केबल के साथ कनेक्टेड है इसमें, और 1 इस 1 का मतलब हुआ लास्ट वाले 1। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए TN12 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 की जगह 2 आएगा, तो मतलब यहाँ पे 15 मीटर इसका रेंज है। इस फोटो सेल का जो रेंज है वो 15 मीटर है फ्रेंड्स। और लास्ट में ये देखिए यहाँ पे L है और D है, तो यहाँ पे D है फ्रेंड्स, D का मतलब होता है रिसीवर है ये, ठीक है। और यहाँ पे देखिए L लिखा हुआ है, L का मतलब है फ्रेंड्स कि ये इमीटर है। और इसको देखते हैं फ्रेंड्स, फ्रेंड्स DN12, तो D मतलब हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, D मतलब डिफ्यूज रिफ्लेक्टिव था, ये डिफ्यूज रिफ्लेक्टिव था है। N मतलब NPN, 1 मतलब ये 1 हो गया प्री वायर्ड, और 12 मतलब यहाँ पे हो गया फ्रेंड्स 0.3 मीटर इसकी रेंज है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से इसके डिटेल्स को देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब मैं इसकी वायरिंग करके दिखाता हूँ और एक रिले को ऑन करा के दिखाता हूँ। इन दोनों सेंसर यहाँ हमने एक SMPS लिया है जो 220 वोल्ट को 24 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है फ्रेंड्स, ये दोनों टर्मिनल निगेटिव है और ये दोनों टर्मिनल पॉजिटिव है। तो देखिए यहाँ से हमने ईमीटर और रिसीवर दोनों को क्या किया कि ब्राउन वायर आपस में एक जगह लेके और पॉजिटिव पे डाल दिया, ब्लू निगेटिव पे डाल दिया। और यहाँ पे जो सेंसर से हमारा, ये जो हमारा रिसीवर से ब्लैक वायर निकला था, ये आउटपुट का वायर होता है, इसको हमने 24 वोल्ट DC का रिले है ये, तो इसके एक कॉइल के एक टर्मिनल पर डाल दिया और दूसरे कॉइल के टर्मिनल पर हमने पॉजिटिव यहाँ से डायरेक्ट दे दिया। और NPN हमारा है तो NPN से निगेटिव निकलेगा, तो यहाँ से ब्लैक वायर से निगेटिव आउटपुट निकलेगा, तो निगेटिव यहाँ दिया इसलिए पॉजिटिव हमने कॉमन दे दिया इसको पहले से, और निगेटिव इस सेंसर के थ्रू मिलेगा तो ऑन हो जाएगा। अब इसको ऑन करते हैं और चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स ऑन कर दिया हमने, ऑन करते हैं, हमारे दोनों सेंसर में ग्रीन लाइट आ गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने पिंक वायर को कनेक्ट नहीं किया, मतलब लाइट ऑन मोड है, तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, दोनों सेंसर के बीच में अगर कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो हमारा वो ऑन कंडीशन में रहेगा, सेंसर के बीच में कुछ आ जाएगा तो वो ऑफ हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रैक्टिकली दोनों सेंसर के बीच में अगर कुछ नहीं रहता है तो वो ऑन रहता है, और जब भी उस सेंसर को के बीच में कुछ आ जाता है, मतलब सेंसर को हटा देता हूँ आमने सामने से, तो वो ऑफ हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोनों सेंसर के बीच में कुछ भी नहीं है तो हमारा रिले ऑन है और सेंसर भी ऑन है, और जब आमने सामने से हटा देता हूँ तो सेंसर ऑफ हो जाता है, रिले भी ऑफ हो जाता है। अब डार्क ऑन मोड को हम समझते हैं। तो डार्क ऑन मोड के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पिंक वायर को ब्लू वायर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, दोनों सेंसर के बीच में अगर कुछ भी नहीं रहेगा तो वो ऑफ रहेगा, जैसे कुछ आएगा तो ऑन हो जाएगा। तो सबसे पहले पिंक वायर को ब्लू वायर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे देखिए कनेक्ट कर लिया तो दोनों सेंसर आमने सामने नहीं है तो ऑन हो गया फ्रेंड्स, रिले भी ऑन हो गया। अब जैसे सामने सामने करेंगे सेंसर को, जब मतलब कुछ भी नहीं है सेंसर के बीच में, तो ये देखिए ऑफ हो गया, हमारा रिले भी ऑफ हो गया, सेंसर भी ऑफ हो गया। और जब भी सेंसर के बीच में कुछ आएगा तो वो ऑन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम डिफ्यूज रिफ्लेक्टिव में लाइट ऑन मोड और डार्क ऑन मोड को समझते हैं। तो फ्रेंड्स ये थ्रू बीम से एकदम अलग है,
मतलब अपोजिट है, या यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, डिफ्यूज रिफ्लेक्टिव में जब भी हमारे सेंसर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो ऑफ कंडीशन में रहता है, और जब सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो ऑन हो जाता है, मतलब एनसी हो जाता है फ्रेंड्स। ये लाइट ऑन मोड में ऐसा रहेगा फ्रेंड्स। और डार्क ऑन मोड में क्या होगा फ्रेंड्स, कि जब भी सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो वो ऑफ हो जाएगा, और जब सेंसर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो वो ऑन रहेगा फ्रेंड्स। तो ये देख रहे हैं कि थ्रू बीम से एकदम उल्टा है फ्रेंड्स, इसकी वर्किंग वायरिंग एकदम सेम होगी जैसा थ्रू बीम में किया था फ्रेंड्स। समझ गए होंगे कि लाइट ऑन मोड और डार्क ऑन मोड कैसे वर्क करता है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम इस PLC के साथ भी कनेक्ट करेंगे इसको। अब मैं फ्रेंड्स इस डिफ्यूज रिफ्लेक्टिव को ऑन करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। ये डिफ्यूज रिफ्लेक्टिव को मैंने PLC के साथ कनेक्ट किया, तो सबसे पहले बताता हूँ, देखिए सेंसर का पॉजिटिव पे और ब्राउन पॉजिटिव पे और ब्लू निगेटिव पे कर दिया, और ब्लैक को ओपन रखा है। ये हमने ब्लैक का वायर यहाँ पे एक इनपुट पे ले लिया है फ्रेंड्स, 01 इनपुट पे फ्रेंड्स। और तो हमारा NPN सेंसर है, इसलिए हमें सोर्सिंग PLC यूज़ करना, मतलब कॉमन पे पॉजिटिव देना पड़ेगा। तो ये हमारा कॉमन का वायर है पॉइंट, कॉमन पे देखिए वाइट वायर से हमने पॉजिटिव दे दिया, और यहाँ से PLC को ऑन करने के लिए 220 वोल्ट सप्लाई दिया है फेज न्यूट्रल। अब जैसे इसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं पहले आउटपुट को, सेंसर के ब्लैक वायर से हमने ब्लैक वायर आउटपुट है तो उसको PLC का इनपुट दे दिया। अब जैसे ही सेंसर के आगे कुछ आएगा ये इनपुट आ जाएगा फ्रेंड्स, ये देखिए आ गया फ्रेंड्स, ये वर्क कर रहा है प्रॉपरली। और ये लाइट ऑन मोड है, डार्क ऑन मोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये वायर को निगेटिव के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए ऑफ कंडीशन में ही इनपुट आ जाएगा, देखिएगा देखिए इनपुट आ गया जैसे इसको करा, अब ये देंगे तो ऑफ हो जाएगा इनपुट, मतलब हमेशा NC है, जब सामने कुछ आएगा तो एन हो जाएगा। ये तो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो फ्रेंड्स अब आप समझ गए होंगे फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर में तीनों टाइप के सेंसर के बारे में, और इसके लाइट ऑन मोड और डार्क ऑन मोड के बारे में, PNP सेंसर NPN सेंसर के बारे में, NO NC फंक्शन के बारे में। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए फ्रेंड्स, मैं वहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए।